हे मनाली, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। एक नए फ्रेश व्लॉग में आपको सबका स्वागत है। अभी एंड किया था, अभी चालू कर दिया, हाथ जमने स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। तो भाई तो ले गए ऊपर, हम जाने लग रहे हैं। जस्ट व्यू के लिए देखा था हमने होटल, लेकिन हाँ व्यू वर्थ इट होगा। वहाँ अपनी खड़ी है गाड़ी, वो देखो पूरे पीछे बर्फ ही बर्फ जम रही है भाई। जो एक नंबर की चीज मिली है ना, वो है ये। ओहो, मैं रात को दिखा रहा हूँ जाड़ पूछ के, क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट इतनी है यार। जितनी एनर्जी के साथ मैं डाउन हो गया था नीचे, उतनी एनर्जी मेरी वापस आ गई है यहाँ देखने के बाद। मतलब सुबह भाई, ओहो क्या व्यू आएगा भैया है। यहाँ से सुबह सुबह ड्रोन उड़ाऊंगा मैं, सेक्सी जितनी दूर तक जाएगा उसके बाद गुम हो जाएगा भाई मुझे डर लगता है अपने ड्रोन से, साला सिग्नल छोड़ने लगा है गाड़ी में वॉलेट भाई। ये तो आप गलत कर रहे हो ना, मैं जो जो चीज़ें। चलो गाइस सुबह मिलते हैं, ओके बाय, यहीं से मिलूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो देखो गाड़ी कहाँ खड़ी है। चाय 5 मिनट मैक्स, 5 मिनट में ठंडी हो जाती है, और 5 मिनट हो गए हैं तो मेरी ठंडी हो चुकी है। मैं इसे पी लूँ, दूसरा टैंक ले रहा था इसे। यहाँ पे धूप अच्छी नहीं लगती, मतलब लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को अभी धूप अच्छी नहीं लग रही। मेरे को चाह रहा था कि बर्फ बर्फ पड़ जाए यार। मैं सोचा था रात को सो रहा हूँ, सुबह भगवान ऐसे करो कि जितने भी वादियाँ दिख रही है ना, सब सफ़ेद कर दो। और फॉल होती तो देखे ही नहीं है, जब से ये आप सबको पता ही है, डेली बोलता ही रहता हूँ जब भी ऐसी जगह आता हूँ। लेकिन इस बार देखे बिना तो नहीं जाऊँगा, गारंटेड बढ़िया देख के जाएंगे। यहाँ से ये जो वे है, ये साला इतना डीप है। मैं सोच रहा था कि रात को बारिश आ जाती, सर स्नोफॉल पड़ जाती तो दिक्कत ही आ जाती, और नेक्स्ट लेवल दिक्कत हो जाती वो, क्योंकि गाड़ी साला सीधा नीचे खाई में भी जा सकती थी। तो बहुत टाइम लगेगा। चल चल फिर, चल 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 देखते हैं आगे डालते हैं भाई साहब। सर दर्द हो रहा बहुत तेज का। एक चीज़ और यार, मैंने अटल टनल क्रॉस करने की बात, मतलब अभी इनसे पूछा तो सीन क्या हुआ, अटल टनल क्रॉस करके सीसू पॉइंट तक जा सकते हैं ये सुना है, ये बता रहे हैं। बाकी तो आगे जाके देखेंगे, आगे जाने का प्लान था यार। यहाँ से ये व्यू, सैक्स व्यू। वो अपना पहुंच चुका है सामान। सफेद कर दो, मैंने सफेद पेंगुइन बना दो मैंने। कितनी देर लगेगी, चल रही है स्नोफॉल चल रही है, लेकिन वो वाली स्नोफॉल नहीं है यार। ऊपर जाना है, ऊपर नहीं यार, पड़ रही है भाई। स्टार्ट हुई है, थोड़ी स्टार्ट हुई है, लेकिन ऊपर का रास्ते बंद कर दिए फिलहाल। देखते हैं ऊपर जाया जाएगा नहीं जाया जाएगा। भाई साहब क्या मस्त लग रही है यार, देखिए मैंने तो पहली बार देखी है इतनी, मतलब इतनी भी ले, ये देखो अलग ही लेवल। हाँ जी ब्रो, टनल जाना भैया, जाना तो है। चले चल आगे, चल आगे चल। ओ तेज होगी भाई, भाई गाड़ी ढक जाएगी है मेरी। ऊपर जाने के लिए हमें लोकल गाड़ी लेनी पड़ेगी फिलहाल, तो बस देख रहे हैं लोकल गाड़ी का जुगाड़ अगर हो पाए तो। मुझे सही बताऊं तो नहीं जाना चाहिए कायदे से यहाँ से, बट इतनी तेज का सुस्सू आ रहा है कि
घूम के मतलब वहां से पूरा घूम के यहाँ तक नहीं जाया जाएगा है फोटो नहीं भाई कहाँ जा रहा है भाई पैर हो गई सुन अंदर घुस गए अंदर ही घुस गई सारे आई नो अभी हम अंदर नहीं जा पाए मेरा फिर से पैर गया अंदर लेकिन एक काम किया है यहाँ से हम अंदर तो जा रहे हैं फिलहाल देखते हैं कितनी आगे तक जा सकते हैं कितने आगे तक जा पाएंगे निकलते नहीं तो फिर पीछे जाके एक गाड़ी का जुगाड़ करते हैं सो दैट यहाँ से आगे जाया जाए ओए मैं चला रहा हूँ आज साइड हो जा फिलहाल हम आ गए हैं सोलंग वैली के साइड से एक रास्ता जाता है ऊपर रोहतांग की तरफ तो वहाँ पे आ गए अब आगे देख देख आगे तो अपनी हाँ हाँ नहीं जा रही मतलब मैं जान पूछ के नहीं लेके जा रहा मैंने कहा यार फंस गए अभी तो यहाँ पर कोई बचाने अभी आएगा नहीं इस टाइम वो है उस इस पहाड़ के उस पार सोलंग वैली और ये है रास्ता रोहतांग वाला और क्या हुआ ठंड लग रही है भाई मेरा पोर्ट मेरा ये फोन चार्ज नहीं और मेरा फोन चार्ज नहीं होगा फिर तो ना रील बनेगी ना वीडियो बनेगी कुछ भी नहीं होने का तो अब यहाँ से चलते हैं लॉक चाबी अंदर ही है भाई मेरे पास नहीं है मिल गई लॉक कर ले देखते हैं पहले कुछ खाते हैं उसके बाद चलते हैं जिस चीज़ में मेरे को कमी लगती है वो ये लगती है आई मीन 4x2 और 4x4 में इतनी दूर तक आके वहाँ नहीं जा पा रहे हम हैं ये जमनी स्टार्ट हो गई है लेकिन भाई चाबी तेरे पास ही है आगे नहीं जा पा रहे ना ये दुख हो रहा है भाई भगवान कसम 4x4 क्यों जा रही है मतलब वो भी जीप ही जा रही है यहाँ की लेकिन मुझे बुरा लग रहा है हाथ सेक रहे थे अब जाके यहाँ निकले भाई साहब जूते पहने जूते पूरे गीले हो पड़े हैं मेरी पैंट पूरी गीली हो चुकी है और जस्ट लुक एट दिस भाई साहब अभी भी कैडी दिखाता हूँ आपको अभी भी हो रही है बाहर पर जल्दी से हमें निकलना पड़ेगा बिकॉज ये जो भाई पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है यहाँ ये अपनी गाड़ी का हाल ऐसा हो चुका है चाह तो मैं बढ़ा था कि मेरी पूरी गाड़ी जम जाए मज़ा उसमें आएगा लेकिन इस टाइम ओ हो नाइस नाइस खोलिए अरे गाड़ी खोल यहाँ से जल्दी निकलने में फायदा अरे यार लो चाय थी यही चीज चाहिए थी लेकिन ये बन जाएगी ब्लैक आइस भाई रास्ते में ब्लैक आइस जमी हुई है आराम आराम से होले होले नीचे पहुंच जाए ये देखो बन रही है ओके हीटर चला देते हैं आगे की तरफ ओह शिट भाई कुछ मैं लाइट ही नहीं जला रही कुछ दिखेगा क्या मुझे लगा कुछ ही नहीं दिख रहा तुमने भी सेम ही लगवा रखे हैं क्या भाई हाँ जी थार वाले अच्छा एक भी नहीं होगा क्या मैं वही कह रहा हूँ मैं साइड से तो सेम से ही लग रहे हैं आपने कर दो थार वाले ही है मैंने तो जब ली थी तभी लगवा लिए थे मेरे वो पूरे सीगेट वाले भाई पूरे मतलब थार वाला कम हुआ निकाल 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 साला गेट बंद करके बैठ गया आराम बाकी लेके आते हैं हाँ लेके आते हैं भाइयों को वापस से परेशान कर दिया भाई मैंने मतलब मैंने सोचा था
कि आज लेके जाऊंगा मैं अटल टनल। हाँ भाई आप ओके, आज सोचा था कि अटल टनल क्रॉस करके आगे जाने की सोचेंगे, आगे जाके कोई स्टे लेंगे या कहीं भी एक्सवाइजेड और जगह देखेंगे, लेकिन भाई पूरा हो चुका है पैक ऊपर, मतलब टू व्हील ड्राइव को जाने जाने नहीं दे रहे, बहुत दुख हो रहा है मेरे, यहाँ दिल में दुख हुआ। बट नेक्स्ट टाइम बर्फ़ में आया, बर्फ़ में पहली चीज़ तो 4x4 लेके ही आऊँगा, दूसरी चीज़ अपनी अगर कोई दूसरी दिखी ना, मैं साला दूसरी गाड़ी चेंज करूँगा, इसको रखूँगा दूसरी गाड़ी की चेंज करूँगा, मैंने सोच लिया, मतलब अब दिमाग से ना ऊपर चला गया है मामला, अब मैंने सोच लिया साला अब तो दूसरी गाड़ी लेके ही आनी, मतलब लेके ही आनी है, वो भी 4x4, पता चल गया। बर्फ़ में आके बहुत दुख होता है। उसी वाले होटल में आए हैं जिसमें कल थे, वहीं पर ही गाड़ी इससे हम यहाँ खड़ी कर दी है। मैं अकेला एक बार जा रहा हूँ यहाँ से सामान लेने बाहर से, कुछ ग्रॉसरी शॉप वगैरह, ये जा रहा है ऊपर रुकेगा, वो भाई देखो जान लेंगे, तो चल मैं होके आता हूँ। अगर हीटर ले रहा तो एक काम कर, हीटर लेके कमरा कति गर्म कर दे। कल तक होटल पे नहीं आ रखी थी, आज बर्फ़ पड़ने लग गई है यहाँ भी, और लेके आ गया हूँ मैं सामान, ये देखो इस पर भी बर्फ़ दिख रही है, पर से तो मेरी पूरी गाड़ी जम रही है अभी भी। सो ये आ गया हमारा खाना, पनीर दाल, वहाँ मैगी खाई थी, मैगी मतलब बहुत ही बुरी थी, मतलब बहुत ही मिर्च भर रखी थी, इतनी मिर्च मेरे ख्याल से ही कोई खाता होगा यहाँ हिमाचल में भी, खाते होंगे शायद यार, तभी डाल रखी है। हीटर के आगे रख रखी है, यहीं गर्म रहेगी, ये देखो मेरा पजामा हो गया था गीला, अभी इसमें सुखा रहा था, इसमें से धुआं निकलने लग गया। हाँ भाई धुआं निकलने, अरे सही में ये जैसे इसमें सुखाया ना यहाँ, तो यहाँ यहाँ आगे से धुआं सा निकलने लगा, मैंने कहा भयंकर इसे रख दो साइड रख दो, पता चला हो गया ख़राब। इस ब्लॉग को गाइस यहीं एंड कर रहा हूँ, पता नहीं इस कितना शूट किया, कितना बना, कितना जो भी बनाया, जो भी एक्सरसाइज चीज़ है, कल से पूरा शेड्यूल करके चलना है। आज सुबह हो गए थे लेट, अराउंड 12 बजे घर से निकले थे और 3 घंटे वहाँ जाम में फंस गए ऊपर, और ऊपर जा भी नहीं पाए। ये कमरा अगर रखेंगे तो पहले देख लेंगे, अगर आसपास कहीं और जाना नहीं हुआ तो यही कमरा रख लेंगे, नहीं तो अगर फुल ऑन प्रॉपर हुआ तभी लेके जाएंगे, क्योंकि जो सामान है ना, सामान पहले वापस पैक करना और फिर वापस उतारना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब सामान सारा आया हुआ है यहाँ पे, सुबह सुबह एक पल को मैं मतलब यहाँ रखे दिल पे रखे ना हुआ। कल मुझे लग रहा है मतलब मैं हाँ है ना, ठंडा उतरती ना, अब इस चक्कर में ही सोच रहा हूँ कि ना के सुबह सेटलमेंट कर लेंगे। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, बाय गाइस, कुछ नहीं बोल रहा एंड में।